हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट डिस्कस करेंगे हम एक्सरसाइज 6.4 के लिए क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द इंटरवल इन विच द गिवन फंक्शन स्टिकली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फंक्शन क्या गिवन है आपको, 2 लॉग एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे अपने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट, है ना, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स 2 लॉग, और फंक्शन का क्या होता है x माइनस 2 और x का हो जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा ओनली 2, इसका 0। 2 कॉमन ले लें, इसमें से क्या बचेगा, 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस x प्लस 1, अंदर एलसीएम ले लो आप, 1 माइनस x, एलसीएम लिया मैंने 2 प्लस x माइनस 2, सिंपल स्टेप है ये तो, आ रही है आपको समझ में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स माइनस 2, कितना बच गया यहां, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस का 1। यहां तक क्लियर है क्या, एक मिनट वापस मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं। यहां पे 2 कैसे कर दिया यार, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, शिट 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 शिट, वापस से सही करो यार। यहां पर प्लस का 2x था और यहां पर 4 था, है ना, 4 था, 4 में से अपने 2 कॉमन निकाला तो 2 बच गया यहां पे। ठीक है, अब लो एलसीएम, 1 माइनस एक्स एक्स माइनस 2 प्लस का 2 एक्स माइनस 2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस का 4 होगा ये। ठीक है, अब देखो कितना बचा, माइनस एक्स स्क्वायर 2 एक्स और 2 एक्स कितना हो गया, प्लस का 4 एक्स हो गया, 4 एक्स मिस गया माइनस का, ये हो गया। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 हो जाए। ठीक है मामला, ओके, यहां तक एकदम अच्छे से क्लियर है। अब ध्यान देना, अब हमें क्या करना है, यहां पर एफ डैश एक्स के अंदर पेयर बना लेना है, फैक्टोराइज कर लेंगे ना इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और एक सेकेंड 3 लेके आना ना आपको, माइनस 3x माइनस 1x प्लस 3 कर लो ना, मल्टीप्लाई करने पे प्लस 3x स्क्वायर और ऐड करने पे ये आ जाएगा आपके पास 4x। कितना बचेगा यहाँ, x कॉमन ले लिया तो x माइनस 3, x माइनस 3 किया माइनस 1, पेयर बन गया, मैं ऊपर लिख देता हूँ, पेयर बने आपके पास माइनस का 2 x माइनस 1 x माइनस 3 और डिनोमिनेटर में x माइनस। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, लिखो यहां पर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1 और डिनोमिनेटर में एक्स माइनस, बताओ यहां तक समझ में आया क्या। अब मैं मेरी कंडीशन शुरू करता हूं। अब एक चीज यहां पे ध्यान रखना, x नीचे डिनोमिनेटर में तो x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2 रहेगा। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 2 नहीं आ सकता है, 2 नहीं आएगा तो ऑब्वियस सी बात है 2 नीचे रखते ही मामला बिगड़ जाएगा आपके पास। क्यों, क्योंकि 2 रखते ही तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा 0, तो x ऑलवेज ग्रेटर देन की कंडीशन कंसिडर करके चलेंगे अपन। ठीक है, अब देखना, इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है मेरे पास, है ना, अगर एफ डैश एक्स मेरे पास ग्रेटर देन 0 है तो माइनस 2 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 अपॉन में एक्स माइनस 2 भी ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अब इसको मैं ऊपर नीचे एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्यों, ताकि ऊपर इंटरवल बन जाए मेरे पास, माइनस 2 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 x माइनस 3 और नीचे आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब आपको पता ही है x माइनस 2 का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, है ना। तो मुझे क्या कंसिडर करके चलना है, ओनली ये माइनस 2 x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, एंड मेरे पास एक कंडीशन और है x इज ग्रेटर देन 2, इसको भी कंसिडर करके चलना ना। अब इस पर मैं बनाऊंगा मेथड ऑफ इंटरवल, आ जाओ, माइनस 2 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब बनाओ मेथड ऑफ इंटरवल में क्या वैल्यू बनाते हैं अपन, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 3 लिखा आपने,
वन और टू के बीच की कोई वैल्यू पुट कर लो, 1.5, 1.5 यहाँ पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 पॉजिटिव, 1.5 यहाँ रखोगे तो नेगेटिव, 1.5 रखोगे तो नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, और फिर ये बाहर नेगेटिव लगा हुआ है नेगेटिव बनेगा, ये नेगेटिव है तो ऑब्वियस बात है ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, इंटरवल समझ में आ गए। हाँ अब मुझे क्या लिखना है, एफ इज स्ट्रिक्टली एक्स इज ग्रेटर देन टू है, ये भी कंसिडर करके चलना, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, अब बताओ कौन से इंटरवल में पॉजिटिव होगा, सर दो इंटरवल, एक तो ये और एक ये, बट एक समस्या होगी एक्स जो है वो ग्रेटर देन टू है, तो ग्रेटर देन टू मतलब मैं केवल इन्हीं इंटरवल को कंसिडर कर सकता हूँ टू के ऊपर वाले, इसमें पॉजिटिव इंटरवल कौन सा है क्योंकि मुझे ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो बतानी है, तो टू एंड थ्री, बट एक समस्या होगी टू इंक्लूड नहीं कर सकते तो टू पे लगा देते हैं अपन ओपन वाला ब्रैकेट, समझ में आ गया, इस चीज का थोड़ा ध्यान देना। अब डिक्रीजिंग की बात कर लेते हैं अपन, इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो, इसका मतलब माइनस टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री लेस देन जीरो, लेस देन जीरो में इंटरवल तो ये बनेंगे आपके पास, मतलब मेथड ऑफ इंटरवल के अंदर चेन तो ये बनेगी आपके पास, ये पूरी कंडीशन लेस देन जीरो है, किस किस में, इसमें है और इसमें है, बट मैं कौन से कंसिडर करूंगा, ओनली दिस वन, क्योंकि टू से लेस ग्रेटर देन वाले चूज करने हैं मुझे, मैं लिखूंगा यहां पर एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन थ्री से लेके पॉजिटिव इनफिनिटी। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया, इसको थोड़ा सा सही लिख देता हूं मैं, ओके ठीक है मामला बिल्कुल सर। तो ये हो गया है हमारा कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 16 और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 6.4 हो चुका है कंप्लीट, और कोई डाउट लगे आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जो भी स्टूडेंट्स न्यू है तो प्लीज यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत दिखाओ, एंड प्लीज शेयर द चैनल लिंक्स फॉर योर फर्दर ग्रुप्स वगैरह जो भी है आपके स्टूडेंट्स जो भी कॉन्टेक्ट में फ्रॉम क्लास 8 to 12 स्टैंडर्ड के जो भी मैथमेटिक्स सेक्शन है वो अपन यहाँ पर कंप्लीट कराएंगे, ओके और नेक्स्ट में अपन मतलब कुछ टाइम बाद लाइव सेशन अरेंज करने की कोशिश करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.5 के कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।